क्या आपने कभी कल्पना भी की है कि अपार जल राशि वाली गंगा नदी के नीचे ट्रेनें दौड़ेंगी? जी हाँ, ये संभव हो पाया है। हुगली नदी के नीचे सुरंग है और तो और धरती से 30 मीटर गहराई में मेट्रो स्टेशन है। देश के इस सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन की सिर्फ परिकल्पना ही नहीं की गई है, बल्कि यह सोच मूर्त रूप में बदल चुकी है, जिसका आज ट्रायल रन किया गया और ये काफी सफलतापूर्वक रहा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून 2024 तक आप इस मेट्रो की यात्रा कर रहे होंगे। कोलकाता स्थित सियालदा से हावड़ा मैदान के बीच इसका परिचालन है। आज इसका पहला ट्रायल रन शुरू किया गया। आपको बता दें, इसी साल सितंबर से दिसंबर के बीच हावड़ा मैदान से एस्प्लानेड के बीच यह सेवा शुरू हो जाएगी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने ईस्ट वेस्ट मेट्रो के हावड़ा मैदान से सियालदा सेक्शन तक का निरीक्षण किया। इस दौरान लिफ्ट, एक्सीलेटर, टिकट काउंटर, टनल वेंटिलेशन सिस्टम, स्टेशन कूलिंग व्यवस्था आदि पर विशेष फोकस किया गया। निरीक्षण के इस प्रक्रिया में हावड़ा मैदान से हुगली नदी के नीचे एस्प्लानेड मेट्रो स्टेशन तक ट्रॉली निरीक्षण, एस्प्लानेड के रास्ते हुगली नदी के नीचे सुरंग और एक क्रॉस पैसेज का निरीक्षण भी किया गया। सदस्यों ने इस बीच एस्प्लानेड मेट्रो स्टेशन पर ईस्ट वेस्ट मेट्रो द्वारा सियालदा से हावड़ा मैदान तक वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने के बाद उपलब्ध कराई जाने वाली यात्री इंटरचेंजिंग व्यवस्था की भी जाँच की। रेलवे बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के सदस्य ने बताया है कि बहु बाजार में मशीनों के माध्यम से नहीं बल्कि मैन्युअली काम किया जा रहा है। इसके बाद ट्रायल रन पार्ट वाइज किए जाएंगे। हावड़ा मैदान से एस्प्लानेड की शुरुआत में 5 से 6 महीने लगेंगे। माना जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरा हो जाएगा। বিষয় তুলে ধরার নেই, বিষয় যেগুলো আপনাদের জানার ছিল আপনাদের সব এক্সপ্লেন করে দিয়েছেন আমাদের জেনারেল ম্যানেজার এবং আমাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন 12 তারিখ প্রেস কনফারেন্স। আজকে আপনাদের রিকোয়েস্টে আমরা একটা রাইড, একটা ট্রেন রাইড আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমাদের ম্যানেজমেন্ট রাজি হয়েছে। এই হাওড়া ময়দান স্টেশন থেকে আপনার এসপ্ল্যান্ড স্টেশন অব্দি যাবে এবং ওখান থেকে আবার ব্যাক করে হাওড়া ময়দান স্টেশন চলে আসবে। সেগুলো আমি এখন কিছু আমি এইগুলো সংখ্যা পরিসংখ্যান আমাদের এর মধ্যে স্টেশন থাকবে, হাওড়া স্টেশন থাকবে, মহাকরণ থাকবে, তারপর আপনার এসপ্ল্যান্ড। তো ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা এইটুকুই আমরা করব, মাঝখানে কেউ নামতে পারবেন না। সেফটি রিজনসে আমরা কাউকে নামতে দিচ্ছি না, কারণ ওখানে কাজ চলছে, এখনো থার্ড লাইন চার্জ রয়েছে। সেই জন্য আপনাদের আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। আর একটা কথা, আমি আজকে সকলকে মাস্ক দিয়েছি, একটু মাস্কটা পরবেন, কারণ মাস্ক আজকাল দেখছি যে আবার ইয়ে আসতে বলে। মাস্কটা পরে থাকলে আপনাদেরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা, সকলের সুবিধা। সে সেদিনকে বলে দেওয়া হচ্ছে, আমি টেকনিক্যাল ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।